हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी ऐसे राइडर हैं जोमैटो के जिनकी आईडी BZV फैलिड आ रहा है बार बार। जैसे ही दोस्तों आप जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन करते हो और आप इसके अंदर अपनी आईडी से लॉगिन वगैरह कर लेते हो, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करते हो, जब आप ऑनलाइन जाते हो तो जैसे आप ऑनलाइन पर क्लिक करते हो तो नीचे आपके पास मैसेज आ जाता है कि आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो ऑनलाइन। और नीचे एक मैसेज और आता है कि योर आईडी हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू BVG फील्ड, यानी आपकी जो आईडी है वो सस्पेंड कर दी है BGV फील्ड के कारण, यानी BGV का फुल फॉर्म होती है यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे कि हमारी जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो गई है, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल हो गया, बैंक अकाउंट हो गया और आपका लाइसेंस हो गया, सब कुछ आपने जो डिटेल है वो आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, जो BGV है यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये कुछ अलग है। अब दोस्तों अगर आपकी आईडी भी सस्पेंड हुई है, यानी काफ़ी ऐसे राइडर हैं जिनकी ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उनकी आईडी सस्पेंड हो गई है, एक दो दिन काम किया है और थोड़े दिनों बाद में उनकी आईडी सस्पेंड हो गई है। अब दोस्तों आप कैसे ठीक करा सकते हो, सभी का प्रॉब्लम ये है, मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस सबसे पहले देखिए, आपको अपने डिविली एप्लीकेशन से जिस भी बंदे का BGV से आईडी यानी सस्पेंड है उनको एक अपने डिविली एप्लीकेशन से टिकट अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं हो। दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको टिकट अरेंज करना है, तभी आपका जो टीम लीडर है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा। देखिए आप करना कैसे है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको डिविली एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद वही बंदा यहाँ पर करे जिसकी आईडी डिसेबल हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अदर का, बीच में आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आईडी टर्मिनेट का, ध्यान रहे आपको आईडी टर्मिनेट पर क्लिक करना है, ना कि आपको आईडी हैज़ बीन डिसेबल यहाँ पर क्लिक करना है। आपको आईडी टर्मिनेट और सस्पेंड आईडी एक ही बात होती है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है आईडी टर्मिनेट पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखा रहेगा BGV फील्ड के बारे में, हमने यहाँ पर पहले से टिकट अरेंज कर दी है, वरना अगर आपने नहीं किया तो नीचे आपको एक टिकट अरेंज का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके टिकट अरेंज आपको करना है। करने के बाद आपकी जो टिकट है वो रिसोल्व हो जाएगी और यहाँ पर आपको लिखा रहेगा जोमैटो की तरफ से कि हम आपकी वी कैन नॉट एक्टिवेट योर लॉगिन अकाउंट, तो ये यहाँ पर लिखा रहेगा जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों आपने टिकट भी अरेंज कर दी है और आपकी टिकट भी रिसोल्व हो चुकी है जोमैटो के द्वारा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक रूल बन गया है कि अगर आप टीम लीडर से हेल्प लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपको टिकट अरेंज करना पड़ेगा, तभी आपका टीम लीडर आपकी हेल्प कर सकता है। पहले ये सिस्टम नहीं था, अब लेकिन ये रूल बन चुका है। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपकी आईडी भी सस्पेंड हो गई है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कारण, अब दोस्तों ये नहीं कि आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी, आपकी आईडी जरूर एक्टिवेट होगी, आपको सिर्फ एक यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना होगा, उस सर्टिफिकेट का नाम है PCC सर्टिफिकेट। इससे पहले दोस्तों आपको अपने टीम लीडर से कॉन्टैक्ट करना है कि मेरी आईडी सस्पेंड हो गई है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कारण, तो वो आपसे बात करेगा कि सबसे पहले आपको PCC सर्टिफिकेट बनाना है, यानी PCC का मतलब होता है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, जो कि पुलिस स्टेशन में बनता है, यानी कि आपके आपके ऊपर कोई भी केस तो नहीं है, आपका रिकॉर्ड साफ है, या आपका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, वो उसके लिए होता है PCC सर्टिफिकेट, तो आपको वो बनवाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी CSC सेंटर जाकर, उसके बाद इसकी कुछ छोटी सी फीस होती है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा ये आपका पूरे एक वीक में आपका बन जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी, तो आपका पूरा एक वीक का समय लगेगा, कम भी लग सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। उसके बाद PCC सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको अपने टीम लीडर से दोबारा कॉन्टैक्ट करना है और उसको PCC सर्टिफिकेट देना है, वो आपकी PDF फाइल बनाकर या फिर PCC सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो नंबर आपकी आईडी से आपकी आईडी लेकर वो आगे जोमैटो के सीनियर एग्जीक्यूटिव पे
सेंड कर देगा, जिससे आपकी आईडी 2 से 4 घंटे में आपकी चल जाएगी। दोस्तों पहले पीसीसी सर्टिफिकेट आपका साथ लिया जाता था जब यहाँ पर ऑफलाइन ज्वाइनिंग चलती थी, अभी सबकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग है। तो यानी 100 में से 10-20 राइडर ऐसे होते हैं जिन पर डाउट हो जाता है कि आपके ऊपर शायद कुछ ऐसा केस हो सकता है, तो उन्हीं के पास ये प्रॉब्लम आती है। अभी दोस्तों मैं आपकी अपनी बात करूँ तो मेरी यहाँ पर कभी भी यहाँ पर पीसीसी या फिर मेरी कभी आईडी यहाँ पर सस्पेंड नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों 100 में से ऐसे 10-20 राइडर आ जाते हैं जिनकी आईडी सस्पेंड हो जाती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के कारण। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, अगर आपकी आईडी सस्पेंड हो गई है तो आपकी आईडी इजीली से एक्टिवेट हो जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनकी आईडी सस्पेंड हो गई है, ताकि उनको भी पता लग जाए कि जोमैटो में अगर जिसकी आईडी सस्पेंड हुई है तो वो कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।